इन द फाउंडेशन इंजीनियरिंग इन द थर्ड मॉड्यूल विल भी डिस्कसिंग द डिजाइनिंग ऑफ द शलो फाउंडेशन हेर दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस मॉड्यूल एंड विल बिगन विद द डेप्थ ऑफ द फुटिंग दट वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास सो लेट इज नाउ स्टार्ट विद द डप्थ ऑफ द फुटिंग कि फुटिंग डिजाइन में डेप्थ ऑफ द फुटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैं लास्ट क्लास में एक चीज़ डिस्कस ही कर रहा था कि अगर ग्राउंड लेवल की अगर आप बात करते हैं एंड दिस इज द ग्राउंड लेवल ओके एंड इफ डेप्थ ऑफ द फुटिंग इज समथिंग लाइक दिस है ना यहाँ पर अगर आपकी फुटिंग प्लेस्ड है सो दिस दिस एंटायर जोन विल बी एक्टिंग as एज अ एम्बेडमेंट वो उसको एम्बेड कर रही होगी रोक के रखेगी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी अच्छा अगर यही मैं बात करूँ कि दिस इज द ग्राउंड लेवल ओके एंड इफ द फुटिंग और द फाउंडेशन इज प्लेस लाइक दिस तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का थोड़ा सा इशू रहेगा राइट सो दिस इज़ अनदर केस तो यहाँ पे depth of द फुटिंग इज इक्वल टू zero, जो कि यूजुअली हम कभी भी प्रोवाइड नहीं करते हैं हम एक मिनिमम डेप्थ पे तो रखते ही हैं ना जो कि आपके आई कोड के द्वारा भी मैंशन है वहां पर भी बताया गया है सो लेट इज नाउ सी फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट एयर द फर्स्ट पॉइंट सी एयर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन प्रॉपरली अ फोटिंग मस्ट बी लेड एट अटेबल डेप्थ ओके न बहुत ज्यादा नीचे न बहुत ज्यादा ऊपर ओके सो इट शुड बी लेड एट अटेबल डेप्थ इट कंट्रोल्स द अल्टीमेट बियरिंग कैपैसिटी एंड द सेटलमेंट अगर मैं बात करूँ अटीमेट बियरिंग कैपैसिटी की तो अगर आपको याद हो टेजागी की क्वेश्चन तो वहाँ पे क्या चीज़ थी डैट दिस वॉज गिवन बाय क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा अच्छा इसमें अगर आप बात करते हैं तो सेकेंड टर्म की दिस इज क्यू हेयर क्यू इज गिवन बाय व्हाट गामा इन टू डी एफ ऑल राइट सो दिस डी एफ इज अफेक्टिंग द सर चार्ज ऑल राइट एंड दिस सर चार्ज इज अल्टीमेटली अफेक्टिंग द नेट दिस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिस डेप्थ ऑफ द फुटिंग इज इन्फ्लुएंसिंग अल्टीमेटली द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ओके सो दिज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट आर देयर एंड वन थिंग इज मोर दैट इज दिस द डेप्थ ऑफ द फुटिंग फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट ऑल्सो भी टेकन इन टू कंसिडरेशन सो दिज आर सेट ऑफ टेन पॉइंट डेट मस्ट बी कैप्टन टू योर कंसिडरेशन फर्स्ट इज द डेप्थ ऑफ द टॉप सॉइल अब देखिए टॉप सॉइल के साथ दिक्कत यह होती है कि इसमें ऑर्गेनिक्स प्रेजेंट होते हैं है ना प्लांट मटेरियल प्रेजेंट होगा रूट्स ऑफ द प्लाट्स विल बी प्रजेंट देयर विच विल अल्टीमेटली डिके एंड विल प्रोड्यूस द गैसेज विच विल लीड टू द वीकनिंग ऑफ द सॉयल देअर ओके सो दिस इज़ वन थिंग डट यू हैव टू कीप इन टू कंसिडरेशन और जितना हो सके यही किया जाता है कि टॉप सॉयल को हम एक्सकवेट कर लेते हैं देन उसके बाद ही हम फाउंडेशन को नीचे उसके कंस्ट्रक्ट करते हैं सेकेंड इज द फ्रॉस्ट डेप्थ ओके फ्रीजिंग और थॉइंग को भी चेक किया जाता है दिस इज अ फैक्टर विच इस वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द कोल्डर कंट्रीज एंड ऑल्सो द कोल्डर स्टेट्स दैट इज द हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और द जम्मू एंड कश्मीर और द अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स विच आर देर नेक्स्ट इज द जोन ऑफ सॉयल वॉल्यूम चेंज अगर आप सॉयल वॉल्यूम चेंज की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो दिमाग में आता है डट इज वॉट ब्लैक कॉटन सॉयल है ना जो महाराष्ट्र में आपके देखते हैं

स्ट्रक्चर ओके एंड डैट वी डोंट वॉन्ट ओके सो ऑलवेज इट इज सीन डैट वॉट एवर बी दोन ऑफ लेट से दिस इज द जोन ऑफ स्वेलिंग एंड श्रिंकेज सो ऑलवेज द फुटिंग विल बी प्लेसड लाइक दिस है ना कि इस जोन में ना आए बिकॉज दिस इज द जोन ऑफ स्वेलिंग एंड श्रिंकेज जैसे ही पानी बढ़ेगा कम होगा सो दिस विल बी ऑल्सो श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग तो हम ऐसा कभी भी नहीं चाहते हैं एड जस्टेंट फ्स एंड प्रॉपर्टी लाइन्स इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं मैं वापस से उस स्लाइड को थोड़ा सा रिपीट करूंगा बट शॉर्ट में ही डिस्कशन किया जाएगा ज्यादा डिटेल में डिस्कशन उसका नहीं करूंगा सेम थिंग विद स्लोपिंग ग्राउंड आई विल बी डिस्कसिंग इट बट इन अ शॉर्ट मैनर इन अ फ्यू स्लाइड्स वाटर टेबल की बात करते हैं वाटर टेबल जब भी होगा इट विल भी अफेक्टिंग द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी वो कुछ ना कुछ उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा सो दिस वाटर टेबल हैज़ टू बी ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशन नेक्स्ट इज द स्काउट डेप्थ स्काउट डेप्थ की अगर आप बात करो तो दिस विल बी अ मेजर फैक्टर इन द वेल फाउंडेशन जब आप हम डिस्कशन करेंगे वेल well फाउंडेशन में तो वहाँ पे जो स्काउट डेप्थ है जहाँ पे सबसे ज्यादा इरोजन हो रहा होगा साइड से स्काउरिंग हो रही होगी लेट्स से इफ दिस इज द पिलर ऑफ और द वेल फाउंडेशन ओके दिस इज द वेल फाउंडेशन सो वेयर सो एवर इज देयर लेट से अगर इतने डेप्थ पे है ना डी डेप्थ पे अगर सबसे ज्यादा स्काउरिंग देखने को मिल रही है ओके okay. सो so, हम क्या करेंगे हम इसके नीचे अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे ओके okay. उसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखेंगे नेक्स्ट इज द अंडरग्राउंड डिफेक्ट्स दैट इज द फॉल्ट केव माइंस अगर ऐसा होता है तो वी हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन और अपना स्ट्रक्चर हम उसी के हिसाब से नीचे प्लेस करेंगे रूट होल्स और कैविटीज विच आर यूजअली फॉर्म बाय द बरोइंग एनिमल्स है ना रैट्स और डिफरेंट बरोइंग एनिमल्स आर देयर विच फॉर्म द रूट होल्स वी हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन बिकॉज दीज आर द वीक पॉइंट्स इन द सॉइल दैट वी हैव टू

उस रैकैन फॉर्मूले में ये बात कही गई थी कि दिस मिनिमम डेप्थ ऑफ द फुटिंग शुड ऑलवेज बी प्रोवाइडेड ओके दिस दिस विल बी गिवन बाय क्यू एंड एंड गामा साइन द फाइव इंटरनल फ्रिक्शन एंगल सो विद दिस वी विल बी डिस्कसिंग नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड दिस थिंग एंड दिस थिंग क्योंकि हमने इसके बारे में कुछ बातें कर रही थी पहले भी जो लेट अस ना सी इट फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई एस नाइनटीन ओ फोर मेक्समडेशन डेट लोकेटेड एट अ मिनिमम डेप्थ ऑफ फिफ्टी मीटर्स बिलो द नेचुरल ग्राउंड सर्फेस तो फिफ्टी सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए ओके फर्स्ट थिंग इज दिस फिफ्टी सेंटीमीटर्स बिलो द ग्राउंड सर्फेस सेकेंड इज ऑल्सो द फाउंडेशन मस्ट बी प्लेस्ड बिलो द जोन ऑफ वॉल्यूम चेंज जो कि हमने अभी डिस्कस किया ओके द फर्स्ट इज द ब्लैक कॉटन सॉइल एग्जाम्पल एंड सेकेंड इज द फाइन सैंड एंड सिल्ट इन द वेर द एरियाज ऑफ वेरी लो टेम्परेचर वेयर द फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन आर देयर है ना जोन ऑफ फ्रॉस्ट ही नीड्स टू भी डिटर्मिन बिकॉज उसके नीचे ही हमें अपना फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करना चाहिए

ऑल्सो दिज दिस सरफेस एंड दिस सर्फेस दे शुड नॉट इंटरसेक्ट अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए ओके सो दिज आर द फ्यू फैक्टर्स डेट आर देर एक और पॉइंट हम बात करते हैं डेट इज दिस थिंग अगर दो फुटिंग्स हैं ये अपर फुटिंग है और ये लोअर फुटिंग है तो इनका जो स्लोप है वो वन वर्टिकल इज टू टू हॉर्जोंटल से ज़्यादा स्टीप नहीं होना चाहिए ओके सो डेट पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक हमने और केस ले रखा था कि अगर ओल्ड फुटिंग है और आपको उसके बगल में ही न्यू फुटिंग अगर डालनी है सो दिस इज़ द ओल्ड फुटिंग एंड दिस इज द न्यू फुटिंग ओके सो वॉट विल हैपन कितनी स्पेसिंग होगी दोनों के बीच में कितनी दूरी की कितनी दूरी की बात होगी और एक और चीज़ होती है कि कितने एंगल पर रहेगी ओके सो डैट दोज टू थिंग्स यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले ही इन द सेकेंड मॉड्यूल आई थिंक इट वॉज द सेकेंड लेक्चर दैट वी हैव डिस्कस्ड ना सेकंड मॉड्यूल सेकेंड लेक्चर नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लोडिंग ओके फुटिंग डिजाइन में हम बात करेंगे लोडिंग की तो देखिए अब लोडिंग की बात अगर आप समझो तो लोडिंग जो है ना किसी भी तरीके से हो सकती है किसी भी तरीके से मतलब वर्टिकल लोड्स भी लग सकते हैं हॉर्जेंटल लोड्स भी लग सकते हैं इंक्लाइन लोड्स भी लग सकते हैं ओके okay? तो यहाँ पे जो मैंशन है ये सात प्रकार के लोड्स दीज लोड्स आर वॉट सम आर वर्टिकल लोडर हॉरिजॉन्टल लोड्स एंड सम मे बी इंक्लाइन लोड्स सो लेट सी नाउ इट वन बाय वन डेड लोड बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करता है दिस फाउंडेशन लोडिंग बिकॉज होता क्या है कि अगर आपको याद हो हम जब लोड ट्रांसफर की बात कर रहे थे लोड ट्रांसफर ऑन द फुटिंग स्लैब हुआ कॉलम हुआ एंड देन दिस कॉलम से होते हुए फुटिंग में एंड देन फुटिंग होते हुए सॉयल में लोड आता है तो डेड लोड विल बी कंप्राइजिंग ऑफ वॉट द स्लैब्स ओके एंड द कॉलम लोड ऑल द लोड विल बी देर लाइव लोड इज़ अ वेरी वेरिएबल थिंग विच इज़ नॉट यूजअली डिटर्म बाई सम डायरेक्ट फॉर्मूलाज दे आर गिवेन बाई द आई एस कोड्स और द डिफरेंट बिल्डिंग कोड्स और उसी के हिसाब से हम लाइव लोड को लेके चलते हैं विंड लोड की अगर आप बात करो तो विंड लोड जितने भी होंगे वो सभी के सभी सभी के सभी एक्सपोज सर्फेसिस पे लग रहे होंगे ओके एक्सपोज सर्फेसिस पे और एक्सपोज सर्फेसिस पे विंड लोड का लगना यानी कि ये लिटरल फोर्सेज होंगे ओके इवन दे दिस कैन बी वॉट इंक्लाइंड फोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द विंड ओके नेक्स्ट इज द स्नो लोड विच इज बेसिकली इन द कोल्डर रीजन ऑल्सो दिज आर ऑन द रूफ टॉप्स ओके रूफ टॉप्स नेक्स्ट इज द अर्थ प्रेशर ये अर्थ प्रेशर का डिस्कशन अर्थ प्रेशर थ्योरीज में किया गया है इसका है ना जिसमें आप बात करते हैं इसके एक्टिव अर्थ प्रेशर और द पैसिव अर्थ प्रेशर की अब जब आप एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ आती हैं क्या कि एक तो ये लेटरल फोर्सेज हैं और अगर आप इनके, तो uh, soil, as, as okay? तो आप इनके नेचर की बात करें तो दीज कैन बी स्टेबलिंग स्टेबलाइजिंग दॉयल और दे विल मेकिंग दॉयल और द फुटिंग एज एज अनस्टेबल ओके तो दीज आर लेटरल फोर्सेज दैट वी है वाटर प्रेशर की बात करते हैं तो वाटर प्रेशर बेसिकली अगर आप देखें तो ये वेल well फाउंडेशन में मेजर रोल प्ले करता है और किसी में इतना ज़्यादा केस इसका नहीं देखने को मिलेगा नेक्स्ट इज द अर्थको एक लोड्स अर्थ को लोड्स और वी कैन ऑल्सो से इट एज सीस्मिक लोड्स अगर आप सीस्मिक लोड्स की बात कर रहे हैं तो दीज आर वाट द वेव्स विच ट्रेवल ऑन द सर्फेस और इनसाइड द ग्राउंड ओके सो दीज आर द लोड्स दैट दर्थ को एक लोड्सिडर अच्छा एक चीज और समझिएगा यहाँ पे यूजली जो लोड्स होते हैं वो क्या होते हैं डेड लोड आपने ले रखा है लाइव लोड ले रखा है वो तो ठीक है आपने इन दोनों को ऐड कर दिया कई बार आपको क्या लेना होता है विंड लोड लेना होता है तो विंड लोड या फिर अर्थकोएक लोड इनमें से कोई एक ही आप लेंगे कोई दोनों चीज़ें साथ में लेके नहीं चलते हैं ओके okay? so सो यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर दिस थिंग इनमें से कोई एक ही चीज़ आप लेंगे या तो विंड लोड लेंगे या तो फिर अर्थकोक लोड ही लेंगे वॉट एवर इज द मैक्सिमम ऑफ द टू यू विल बी टेकिंग दैट लोड ना ऑलरेडी सी वन थिंग हेयर एज पर आई एस नाइनटीन ओ फोर फुटिंग शुड बी प्रमोशन फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स फर्स्ट इज द डेड लोड प्लस लाइव लोड सेकेंड इज द डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड ऑब्लिक सिस्मिक लोड अब इनमें से जो भी बड़ा लोड होगा उसको हम ले, ले लेंगे अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डेड लोड में क्या क्या चीजें आती हैं फर्स्ट इट इज इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द कॉलम द वॉल द फुटिंग ऑल्सो द ओवर फिल बट इट एक्सक्लूड द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड सॉयल ओके सो दिस

Yeah, for terzaghi theory terzaghi theory, theory this n value but different, different theories are there which you can use for getting the bearing capacity of the soil or the footing now let us see what are the different uh, steps that are involved in the designing of the footing so let us see the procedure first of all the first point see here estimate the loading on the foundation that is what is the dead load what is the light, live load and what is the wind load or the earthquake load okay this is the earthquake load and also determine the bending moment at the base of the wall or the column. if we are talking about so सल see here, first is the axial loading, kitna कितना load lag लग रहा है or the vertical or the horizontal load. कौन दो कोई भी लोड हो हम उनकी बात कर रहे हैं पहली चीज़ दूसरी बात हम करते हैं किसकी बेंडिंग मोमेंट की बेंडिंग moment मतलब क्या हुआ कितना वो बेंड करना चाह रहा है ओके कितना फुटिंग को आपके bend करना चाह रहा है distort करना चाह रहा है वो भी हमें यहाँ पे consider करना पड़ेगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस एयर स्क्वायर फुटिंग इज प्रेफर्ड वेन लोड्स आर एक्ज रेक्टेंगुलर फुटिंग्स आर प्रेफर्ड जब दो चीजें लग रही हों क्या बेंडिंग मोमेंट और एक्जेल लोड दोनों के दोनों ओके थर्ड पॉइंट सी है दिस इज द थर्ड पॉइंट दिस इज द फोर्थ पॉइंट थर्ड पॉइंट सी है डेप्थ ऑफ द फुटिंग इज डिटर्मेंड यूजिंग बोर होल लॉक डेटा सो यू हैव टू सी द डेप्थ ऑफ द फुटिंग देयर नेक्स्ट इज सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज डिटर्मेंट ठीक है सो यू फॉलो दिस फोर स्टेप्स देन यू मूव ऑन टू द फिफ्थ स्टेप वेयर द फुटिंग इज प्रपोर्शन मेकिंग यूज ऑफ द सेफ बियरिंग केपेसिटी ऑल्सो इन द नेक्स्ट स्टेप मैक्सिमम एंड द डिफरेंशियल सेटलमेंट हम यहाँ पे सेटलमेंट की बात कर रहे हैं दैट इज कैल्कुलेटेड एंड इट इज कम्पेयर्ड विद द अलाएबल वैल्यूज इन केस ये ज्यादा हो जाती है सो वील बी अगेन रिवाइजिंग इट ठीक है सो इट इज ऑलवेज विद इन द परमेसिबल लिमिट ऑल्सो इफ नॉट विद इन द पॉमिसबल लिमिट्स सेफ बियरिंग कपैसिटी इज रिवाइज्ड एंड प्रोसीजर इज रिपीटेड नेक्स्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द फुटिंग अब स्टेबिलिटी आप चेक करके करते हो इट इज चेक्ड अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड ओवर टर्निंग अब स्लाइडिंग समझ रहे हो है ना कोई चीज़ फिसल जाए ओवर टर्निंग क्या होगा कोई चीज़ इस तरीके से बैंड हो जाए है ना मूव प्रिंट कर जाए ओके सो दीज आर टू बी चेकड कि आपकी फुटिंग जो है इफ आई टॉक अबाउट दिस फुटिंग तो ये फुटिंग स्लाइड ना करें पहली चीज़ दूसरी क्या हो इस तरीके से कुछ ओवर टर्न ना कर देखे सो दीज बोथ द फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू टू कंसिडरेशन अब अगर हम बात कर रहे हैं यहां कि स्टेबल रहे स्टेबल रहे मतलब हमें यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करनी पड़ेगी सो प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टू बी अप्लाइड नेक्स्ट इज वट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने बात करी लास्ट स्लाइड में अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना चाहिए होगा लेट इज सी इफ डेड लोड लाइव लोड अर्थ प्रेशर एंड विंड लोड और जैसे जो भी इसमें से ज्यादा होगा आर कंसिडर्ड देन फॉर डैट केस फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग शुड नॉट भी लेस देन पॉइंट फाइव फॉर अगेंस्ट ओवर टर्निंग इट शुड नॉट भी लेस दोनों के लिए सेम चीज है नेक्स्ट थिंग इफ ओनली डेड लोड लाइव लोड एंड अर्थ प्रेशर आर कंसिडर्ड दे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग शुड नॉट भी लेस देन पॉइंट सेवन फाइव एंड अगेंस्ट ओवर टर्निंग इट शुड नॉट भी लेस देन टू सो दीज आर द टू केसेज

इसका मतलब क्या होता है अब हम इसको आगे देखते हैं सो हेयर वट विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल द डिज़ाइन लोड इज डिटर्म कि कितना लोड लग रहा होगा ओके फर्स्ट इज डेड लोड लाइव लोड जितने भी लोड्स लग रहे हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिटर्मिन करते हैं सेकेंड इज सूटेबल प्लान डायमेंशन विथ डायमीटर और लेंथ हैव टू बी अज्यूम से प्लान एरिया भी ए एके अब कुछ अज्यूम कर लेते हैं ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी एडबिट्रिय ले ली आपको पहले एज्यूम करना है डाट वैल्यू देयर एंड देन यू विल बी सीइंग कि कितना नेट लोडिंग इंटेंसिटी आ रहा है ओके सो यू अपटेन दिस क्यू नेट वैल्यू ओके दिस नेट लोडिंग इंटेंसिटी बाय डिजाइन लोड अपॉन द प्लान एरिया दिस इज क्यू बाय ए देयर एंड सो यू गेट दिस क्यू एन इज इक्वल टू क्यू बाय ए अच्छा अगर ये क्यू एन जो आपने अभी निकाला है आफ्टर अज्यूमिंग द डायमेंशन ऑफ द फुटिंग अगर ये क्यू एन इज लेस देन और इक्वल टू क्यू अलाएबल नेट ओके वॉट इज दिस दिस इज द क्यू ए नेट इज द नेट अलाउेबल प्रेशर ऑन द सॉयल है ना इतना ही अलाउड है सॉइल पर अगर ये नेट वैल्यू अलाओबल से कम है तो इट इज ओके इट इज ऑल फाइन ठीक ये होना भी यही चाहिए बट इन केस इन केस दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड दैन द डिजाइन इज अनसेफ ओके सो वी हैव टू री डिजाइन इट ऐसा हमें करना पड़ेगा हमें फिर से क्या करना होगा हमें फिर से वापस से कुछ और अज्यूम करना पड़ेगा क्या अज्यूम करना पड़ेगा दिस सेकेंड टर्म सी हमें कुछ अलग वेट्स या डायमीटर या लेंथ हमें अज्यूम करना पड़ेगा ना? So very, very net, the so तो है ना सो द प्लान एरिया विल बी चेंजड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा इफ क्यू एन इज वेरी वेरी मच लेस देन क्यू अलाएबल नेट देन द डिजाइन इज ओवर सेफ सो डैट ऑल्सो विल बी अन क्योंकि अलाउबल नेट तो भाई ज्यादा है बट जो आपका नेट लोडिंग इंडस्ट्री निकल के आ रहा है फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ वेट और द डायमीटर और द लेंथ वो काफ़ी कम आ रहा है तो so, उस केस में क्या होगा द डिजाइन इज ओवर सेफ सो वेन इट इज़ ओवर सेफ तो वहाँ पे पैसा जो है uh, बहुत ही ज़्यादा लग रहा होता है तो डैट इज़ अन इकोनॉमिकल सो द प्रमोशनिंग ऑफ द फुटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग बोथ द सेफ्टी एंड ऑल्सो द इकोनॉमी सो बोथ द फैक्टर्स हैव टू बी टेक इन टू कंसिडरेशन Also, one thing more that we have to discuss this, this Q allowable net is the two criteria based that is, first is the net safe allowable bearing capacity that is the due to the shear criteria, or a QS due to the settlement criteria. So, these are the few important things that we have discussed till now. Now, second step you see for assumed dimensions and the depth of the footing.

सो डैट इज द प्लेन कंक्रीट राइट जिसमें सरिया यूज़ हो रहा है डेट इज वॉट रिनफोर्ज कंक्रीट जिसमें आपने कुछ री इन्फोर्समेंट डाल रखा है सो अंदर केस कैन बी वॉट दिस री इन्फोर्ज कंक्रीट फुटिंग दो केसेज हो सकते हैं अगर लोड्स आर लाइट एंड द सॉयल इज गुड देन यू विल भी अप्लाइंग द प्लेन कंक्रीट फुटिंग्स तो उसकी डिजाइनिंग अलग रहती है एल्स इफ दिस इज नॉट द केस लोड्स आर हैवी सॉयल इज़ नॉट प्रॉपर तब उस केस में री इन्फोर्स कंक्रीट फुटिंग्स आर टू बी प्रोवाइडेड अच्छा अगर हम इसमें बात करते हैं तो विट ऑफ द फुटिंग इज गिवन इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू एन लोड पर मीटर रन ऑल्सोज इक्वल टू अलाबल सोयल प्रेशर इतना soil पे लग सकता है नेक्स्ट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं का ओके

फुटिंग ओके नेक्स्ट इज दिस डायग्नल शियर डैट इज एफ इज ऑगल टू क्यू नॉट इन टू कैपिटल बी माइनस बी बाई टू माइनस डी अच्छा यह स्मॉल बी क्या हो अगर आपको नहीं समझ में अभी आ रहा है तो हम इसको जब न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे होंगे तो डैट विल भी एंटायरली क्लियर टू यू नॉट टू वरी अबाउट डेट टू मच ओके दैन दिस स्मॉल डी हेयर इन दिस टर्म इज द एफेक्टिव डेथ्थ ऑफ द फुटिंग फ्रॉम द फेस ऑफ द वर्ल्ड ओके सो दिस इज द एफेक्टिव डेथ दैट वी आर यूजिंग अगर हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ द स्प्रेड फुटिंग्स तो स्प्रेड फुटिंग्स में भी वही सारी चीज़ें आएंगी क्या क्या कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना लगेगा डायग्नल शेयर की वैल्यू कितनी होगी तो अगर हम उसको देखते हैं यहाँ पे तो समझिएगा दिस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय क्यू नॉट इंटू बी इंटू कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी दैट इज द वेथ ऑफ द वॉल टू द पावर ऑफ टू बाई एट फॉर दिस डायगनल शेयर इट इज गिवन बाय एफ दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू बी इंटू कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी बाई टू माइनस दिस डी दैट इज द इफेक्टिव डेप्थ एक और केस यहां पे आता है डेट इज द पंचिंग शेयर केस दिस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवरऑल डेप्थ ऑफ द फुटिंग डी नॉट इज गिवन इज डी नॉट इज गिवन बाय क्यू नॉट बाइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन फोर इंटू बी प्लस डी इंटू सिग्मा एस पी वेयर दिस सिग्मा एस पी इज द सेफ पंचिंग शेयर ओके डेट इज द वैल्यू एंड बी इज द विड्थ ऑफ द स्क्वायर कॉलम ऑल्सो वन थिंग इज मोर डेट इज दिस मैक्सिमम फोर्स फॉर बॉन्ड ओके विल बी बॉन्ड्स देयर और उसकी कितनी वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू बी इंटू कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी बाई टू तो दिस इज द फोर्स फॉर बॉड तो ये चार फैक्टर्स इस स्प्रेड फुटिंग पे आते हैं ओके विच वी हैव टू कंसिडर इन द केस ऑफ स्प्रेड फुटिंग्स अच्छा इसको डिस्कस करने से पहले लेट अस सी वन थिंग कि ये स्मॉल बी की वैल्यू क्या है अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ और मैं कहता हूँ कि दिस इज द स्क्वायर कॉलम ओके जिसकी प्लान डायमेंशन इज पॉइंट फोर मीटर बाय पॉइंट फोर मीटर ओके तो अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो दिस विल बी अ स्क्वायर ओके और यहाँ पे अगर आप इस तरीके से देखोगे साइड व्यू तो आपको एक पॉइंट फोर मीटर का दिख रहा होगा ओके okay. और साथ ही में क्या होगा कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन होगी जहाँ पे एक आपकी री इस तरीके से होगी और एक री इस तरीके से होगी जो इंटू द प्लेन जा रही होगी दिस इज़ द इंटू द प्लेन री और ये ये जो है दूसरी इनफोर्समेंट है जो इन टू द प्लेन वाले के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ओके सो दिस इज देयर अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द टोटल डेप्थ डी एंड दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ ओके दैट इज देयर तो ये अलग अलग फोर्सेज है डेट विल बी एक्टिंग देयर अगर हम बात करते हैं तो कुछ इसी तरीके से समझिएगा यहाँ पे कि दिस इज द स्मॉल बी विथ ओके दिस वन एयर स्मॉल बी अच्छा एक चीज और समझिएगा क्या यहाँ पे इस जगह पे दे विल बी मैक्सिमम पंचिंग शेयर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो इस लाइन ऑफ एक्शन पे पड़ेगा ओके मैक्सिमम डाइग्नल शेयर की बात करते हैं तो कुछ इस लाइन में पड़ेगा अगर आप इसके फर्स्ट टर्म की बात करें तो अगर ये ये है ओके तो दिस इज द मैक्सिमम डाइग्नल शेयर नेट विल बी एक्टिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम ओके एंड दिस इज द मैक्सिमम पंचिंग शेयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ओके दिस इज द डी दैट इज द इफेक्टिव डेप्थ ओवरऑल डेप्थ की बात करेंगे तो जो भी कवर है ना ये क्या होता है ये नीचे वाला कवर प्रोवाइडेड है दिस कवर टू बी ऑल्सो इंक्लूडेड तो यहाँ पे ये दिस कवर टू बी आल्सो इंक्लूडेड ओके दिस इज द डी नॉट अगर हम बात करें अगर इसका आप टॉप व्यू देखोगे so, तो टॉप व्यू में क्या होगा दिस इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग ओके दिस इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग दिस इज द स्क्वायर फुटिंग देयर एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वॉट विल हैपन दिस लोडेड एरिया दिस पोर्शन

इस तरीके से ओके सो दिस इज द इंटायर डायमेंशन और ये अलग अलग लोकेशंस हैं जहां पर आपको मैक्सम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम डाइगनल शेयर और मैक्मम पंचिंग शेयर मिल रहा होगा नेक्स्ट इज दिस न्यूमेरिकल डैट लेट इज सी अ फ्यू पॉइंट्स अंडर वी रैप अप द क्लास यू कैन अटेम्प्ट दिस एट होम ऑल्सो फर्स्ट इज डिजाइन अ स्क्वायर री इनफोर्स कंक्रीट फुटिंग फॉर द फॉलोइंग डेटा वेर इन द कॉलम नोट इज गिवेन बाई एट हंड्रेड किलोमीटर allowable soil pressure is given by 200 kilonewton per meter square and size of the column is given by 0.4 meter by 0.4 meter okay. so this is the data try to solve it at home we will be discussing it in the next class thank you for today so let us wrap up now